हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति, ट्रेडर, आपका अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने अकाउंट्स में से एक अकाउंट्स में हम आपको विड्रा करके दिखाएंगे। काफ़ी सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सनेस में हम विड्रा कैसे लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब भी आप एक्सनेस में अपना अकाउंट में से विड्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने कौन से मेथड से डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों, जैसे कि जिन लोगों ने यहाँ पर UPI से डिपॉजिट किया है या फिर ऑनलाइन बैंक से डिपॉजिट किया है, तो दोस्तों उन सभी का जो विड्रा होगा ऑनलाइन बैंक से होता है। क्योंकि दोस्तों, आप UPI में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जो डिपॉजिट करते हैं, तो कहाँ से जाता है वो पैसा? आपके बैंक से जाता है ना। तो इस वजह से वो जो आपका पैसा विड्रा होगा आपके बैंक अकाउंट से होगा, यानी कि ऑनलाइन बैंक से होगा। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो से डिपॉजिट करते हैं, तो सिर्फ क्रिप्टो से ही आपका पैसा विड्रा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट्स हैं, तो इसमें से मैं अपने इस वाले अकाउंट में से यहाँ पर कुछ पैसा विड्रा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे सिंपली विड्रा के बटन पर क्लिक करना होता है। और ये एप्लीकेशन में या फिर आप मोबाइल में देख रहे हैं या फिर अपने डेस्कटॉप पे सेम ही होता है सब कुछ, ठीक है। इंटरफेस थोड़ा सा आपको अलग दिखता है, लेकिन ऑप्शन सभी सेम होते हैं। तो यहाँ पर आपको विड्रा पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप विड्रा के बटन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑनलाइन बैंक है, बाइनेंस पे है, USDT है, ERC20, TRC20 और USD कॉइन्स हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, नेटलर और परफेक्ट मरी स्टिक पे, तो ये सभी हैं। और इनके नीचे इनकी लिमिट भी लिखी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन बैंक की जो अभी अपडेट लिमिट है, यहाँ पर $15 से $500 तक आप एक दिन में, मतलब एक बार में विड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार की ये लिमिट होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन से करते हैं, तो यहाँ पर तो अनलिमिटेड आप यहाँ पर पैसा विड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाइनेंस से आप एक दिन में $20,000 तक विड्रा कर सकते हैं। और ERC20, TRC20 से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने पैसा अगर डिपॉजिट किया है UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से या फिर ऑनलाइन बैंक से, तो आपका पैसा ऑनलाइन बैंक से ही विड्रा होगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बैंक पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने विड्रा की डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट मेथड मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊँगा, जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर विड्रा करेंगे, तो उनको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होती है। लेकिन जब आप एक बार विड्रा कर लेते हैं, अपनी बैंक डिटेल्स दे देते हैं, तो आपको बार बार अपनी बैंक डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मेरी बैंक डिटेल सेव है, तो वो आ जाती है। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया, ये आपका भी आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट कर लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहीं से करता हूँ मोस्टली, तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये देखिए, एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि इट मे टेक अप टू 3 डेज। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने टाइम दिया है कि मैक्सिमम कोई टेक्निकल इशू रहता है तो 3 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब विद इन 10-15 मिनट में आपका पैसा आ जाता है। कभी कभी जब नहीं आता, तो आप उनसे लाइव चैट पे बता दीजिए। लाइव चैट में दोस्तों, वो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, और इमीडिएटली आपका जो फंड होता है रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा नोट करके, कि एक्सनेस में आपका फंड सुरक्षित है, तो इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको सिस्टम सही से फॉलो करना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑनलाइन बैंक मेथड सेलेक्ट किया, ये मेरी ट्रेडिंग आईडी है, और यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए $50 विड्रा करना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मिनिमम देखिए, आप $15 कर सकते हैं इस वाले मेथड से, और मैक्सिमम जितना आपके अकाउंट में फ़ंड रहेगा, बाकी ऑनलाइन में यहाँ पर $500 होते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर कम से कम विड्रा करूँगा, क्योंकि मेरे को 20 अकाउंट में ट्रेड्स करने हैं, तो यहाँ पर मेरे को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पेमेंट मेथड यहाँ पर ऑनलाइन बैंक रहेगा, और मेरा इस वाली ट्रेडिंग आईडी से $50 विड्रा रहेगा, और कमीशन यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर ये देखिए कन्वर्जन रेट। काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं डिपॉजिट के टाइम कि भाई यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं, USD INR का रेट 82 है, लेकिन यहाँ पर 90-91 में डिपॉजिट होता है, तो उनके लिए भी ये मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा में ही डिपॉजिट होता है और ज़्यादा में ही विड्रा मिलता है एक्सनेस में। तो यहाँ पर एक USD के लिए मेरे को 90.68 INR मिलेंगे, ओके। तो मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, सारी की सारी डिटेल्स एकदम सही है। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर कन्फर्म करता हूँ, तो जो मेरा एक्सनेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP आएगा, और वो मेरे को OTP यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना OTP फिल कर दिया है, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर ये ग्रीन बॉक्स में आ गया है, अब मुझे यहाँ पर कन्फर्म करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि उनको बैंक डिटेल्स नहीं डालने के लिए मिलती, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बैंक डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों, पहले आपको अपना अमाउंट फिल करना होता है, जितना आप विड्रा करना चाहते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आता है, और OTP आने के बाद दोस्तों, तब आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी होती है। तो
तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई बैंक डिटेल हमने फिल नहीं करी और हमको ओटीपी आ रहा है, तो कहीं हम ओटीपी जैसे देंगे फंड तो नहीं कट जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपका जो भी सारा काम होता है एक्सनेस में ट्रस्टेड और सिस्टमेटिक वे में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल में आपको अपना बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और यहाँ पर अकाउंट होल्डर का जो नाम रहता है वो डालना होता है। ओके, यहाँ पर ये मैंने फिल किया है, कुछ चीज़ें हाइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये इनवॉइस नंबर है और यहाँ पर हमारा जो अमाउंट था वो शो हो रहा है INR में $50 का। इसको हमें सिंपली कन्फर्म करना है। तो दोस्तों जैसे हम इसको कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट इन इज प्रोग्रेस, वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट एंड यू विल रिसीव योर फंड्स एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर जल्द से जल्द जितना भी पॉसिबल होगा हमारा फंड विड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो प्रोटेक्ट भी देना चाहूँगा। देखिए, जब आप विड्रा करते हैं अपना फंड, तो जैसे कि आपको पता है आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होता है थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, तो आप उसको अगर मंडे टू फ्राइडे विड्रा करेंगे तो वो काफ़ी जल्दी आने के चांस रहते हैं। हालांकि आप संडे में भी लगाएंगे विड्रा, पैसा तभी भी आ जाएगा, लेकिन सैटरडे संडे में कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, और ये डिले हमेशा नहीं होता है, कभी कभी। तो इसीलिए जो सेफ दिन है वो आपके मंडे टू फ्राइडे हैं, आप दिन के टाइम इसको विड्रा लगाएं, एकदम इमीडिएटली आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप एक्सनेस में 24/7 कभी भी डिपॉजिट विड्रा कर सकते हैं, हो जाता है। कभी कभी जो डिले होता है टेक्निकल रीजन की वजह से, तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, आप लाइव चैट पे बात कर सकते हैं। लाइव चैट पे बात करने से एक्सनेस की टीम आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट PDF और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेती है, डिपॉजिट की अगर प्रॉब्लम है, और अगर विड्रा का मसला है तो उसके लिए भी आपका बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है। उसमें वो चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आई तो नहीं है, और वो क्रॉस चेक करके सारी डिटेल्स को आपका फंड जो है रिलीज कर देते हैं। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा प्रोसेस एक्सनेस से फंड विड्रा करने का। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके एक्सनेस में डिपॉजिट विड्रा से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी हम देखिए गो मर्चेंट पे करेंगे तो वो हिस्ट्री आ जाएगी वहाँ पर, और हिस्ट्री में आपको दिखेगा कि हमारा जो फंड जो हम भी विड्रा करते हैं वो प्रोसेस में आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक्सनेस की जो ट्रांजेक्शन है उसको जो मैं रेटिंग देना चाहूँगा, 5-star रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सर्विस है एक्सनेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा विड्रा अमाउंट है अभी यहाँ पर प्रोसेस में है, और हमने 10:57 पर यहाँ पर विड्रा लगाया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आपके कोई भी इशू रहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट हमारे लिंक से है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इमीडिएटली आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपका अकाउंट एक्सनेस में हमारे लिंक से नहीं भी है तो आप अपना IB चेंज कर सकते हैं और आप हमारा ट्रेडिंग सपोर्ट ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।